अक्षय कुमार बॉलीवुड के इकलौते ऐसे स्टार हैं जिनके पास इस समय फिल्मों की कोई कमी नहीं है। वो सोशल मैसेजेस वाली फिल्मों से तो लोगों का दिल पहले ही जीत चुके हैं, वहीं अब वो कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 सुपर कॉप वाली फिल्म सूर्यवंशी में तो नजर आएंगे ही, साथ ही साथ लक्ष्मी बॉम्ब के जरिए वो धमाका करने वाले हैं। इस फिल्म का हाल ही में नया पोस्टर रिलीज हुआ है। लक्ष्मी के रूप में अगर आप एक बार अक्षय को देख लेंगे तो उनके फैन जरूर हो जाएंगे। अक्षय ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर इस पोस्टर को शेयर किया और साथ ही में कैप्शन में लिखा, नवरात्रि का मतलब है अपने अंदर के भगवान के आगे सर झुकाना और शक्ति को सेलिब्रेट करना। नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आप सभी के साथ लक्ष्मी का रूप साझा कर रहा हूँ, एक ऐसा करेक्टर जो काफी एक्साइटेड है और नर्वस भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी की शुरुआत वहाँ से होती है जब हम अपने कम्फर्ट जोन में होते हैं, क्यों है ना। #लक्ष्मीबॉम्ब। अक्षय का ये अवतार सचमुच काफी लाजवाब है। इस पोस्टर में अक्षय ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगाई हुई है और पीछे माता की बड़ी सी मूर्ति और हवन कुंड दिखाई दे रहा है। जब से पोस्टर रिलीज हुआ है तभी से ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। लोग पोस्टर को देख अक्षय की तारीफ करते नहीं थक रहे। हैट्स ऑफ सर लक्ष्मी बॉम, वी आर प्राउड ऑफ यू। Playing a transgender character is tough and brave step itself. But when if it comes to you, it is not a tough enough because you are the only one who can do it. Salute you, boss. ये लुक तो आग है आगे। It reminds me आशुतोष राणा लुक ऑफ संघर्ष मूवी वेटिंग फॉर दिस वन बैडली। लुकिंग ऑसम खिलाड़ी मानिया ऑल ओवर लक्ष्मी बॉम्ब। बता दें कि इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि अक्षय कुमार एक बार फिर कुछ हटका करते नजर आने वाले हैं। फिल्म में अक्षय कुमार ट्रांसजेंडर भूत के रूप में दिखाई देंगे। ये फिल्म 2011 में आई तमिल हॉरर कॉमेडी फिल्म मुन्नी 2 कंचना की हिंदी रीमेक है। वहीं अक्षय कुमार के साथ साथ इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और कियारा आडवाणी भी नजर आने वाले हैं और ये फिल्म 22 मई 2020 में रिलीज होगी। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।